press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शिल्पा जी बहुत ही अच्छी सिंगर हैं, इनको मैं काफ़ी दिन से जानता हूँ, काफ़ी साल से जानता हूँ, और ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और सिंगर भी हैं। और आप अपने बारे में ही बताइए। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं तो सभी को मेरा प्रणाम। और ये जो आज का माहौल है, प्रतीक जी का बर्थडे है, तो पहले तो ढेर सारा शुभकामनाएँ आप को। और ये आप सभी का आशीर्वाद है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं क्या बोलूँ, कुछ गाना सुनाना चाहेंगे? बार बार जो दिमाग हाँ वही गाएंगे, तो वही गाओ। कुछ और गा दीजिए। वही गाएंगे जो बर्थडे है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह हैप्पी बर्थडे टू यू, ओह हैप्पी बर्थडे टू यू डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू सर। आज जो है प्रतीक जी का बर्थडे है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, केक काटा, आप भी आए, शुभकामनाएं। किस तरह से शुभकामना और बधाई देना चाहिए? प्रतीक जी बहुत अच्छे इंसान हैं, एक स्ट्रगल करते करते इनको ट्रैक मिल गया है। मुझे अब लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप इनको निरंतर प्रगति मिल रही है। तो आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं प्रतीक जी के जन्मदिन को मनाने के लिए, और हम ईश्वर से उम्मीद करते हैं और आशा भी करते हैं कि प्रतीक जी के जीवन में निरंतर खुशियाँ बढ़ती रहें। हम सभी की शुभकामनाएँ हैं, और आज एक बार मैं पुनः प्रतीक जी को इनके जन्मदिन के अवसर पे बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और आशा करता हूं कि ये अपने कार्य में समर्पण के भाव से कार्य करेंगे और निरंतर प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रतीक जी के बारे में बात की जाए, राजा राजकुमार फिल्म में आपकी इसमें हीरो थे, क्या कहना चाहें जब आप पहले मिले थे और अब तक मुलाकातें हो रही प्रतीक के बारे में? इनसे हम जितनी बार मिलते हैं उतने ही सरल दिखते हैं मुझे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हम तो आपसे बताए कि ये निरंतर प्रगति करेंगे। ये जो स्वभाव होता है आदमी का, सरलता, सरल स्वभाव होता है, वो तरक्की में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। प्रतीक जी आप क्या कहना चाहेंगे सर आए और आपका? सबसे पहले तो जितने भी मेरे दर्शक हैं मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और मेरी फिल्म राजा राजकुमार, जिसके प्रोड्यूसर सुभाष सर हैं, उन्होंने इतनी बेहतरीन पिक्चर दी, तो इनको मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि आगे इनका प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बने रहे। बस आज भाई का जन्मदिन है, और मैं चाहूँगा कि आज के दिन इनको दुनिया की सारी खुशियाँ, आज के दिन ही नहीं पूरे साल ये ऐसे ही एक्टिंग में अपना जलवा बिखेरते रहें। जन्मदिन की अपार शुभकामनाएं, और सुभाष भैया भी आए, और हमारे सारे जितने तमाम कलाकार बनारस के लोग हैं, वो सभी लोगों का प्यार इनको मिलता है और आगे भी मिलता रहे। मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बस इस प्यारे कलाकार पर, प्यारे भाई पर प्यारा प्यारा आशीर्वाद बरसाते रहें, और हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन भाई मेरे, लव यू। मैंने भैया का बहुत सारा म्यूजिक किया है, इन्होंने बनाया। मैंने सिंगिंग किया तो भैया ने ही मेरा म्यूजिक बनाया था,
और इनके प्यार और आशीर्वाद से हम इतने 5-6 साल में इतने यहाँ तक ये हमको बोलते रहते हैं भैया आप मेरे लिए बहुत लकी हैं बहुत लकी हैं। और इनकी स्टार्टिंग एल्बम भी हमने करी थी और राजा राजकुमार में भी एक गाना में था गोरी तोरी चुनरी जो पड़ा हुआ था। और प्रतीक भाई का स्वभाव ही एक अलग टाइप का है, ये 2 मिनट में अपना बना लेते हैं किसी को भी। तो आई एम बिग फैन ऑफ दिस पर्सन और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन सा गाना हो जाए बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरजू। सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। एक बात और इन नौजवानों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी कार्य में जुटे हैं, हर कार्य में बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन आप अगर अपने कार्य में समर्पण भाव से कार्य करेंगे तो मैं ये आपको भरोसा दे रहा हूँ कि सफलता जरूर मिलेगी उस कार्य में। लेकिन आपको समर्पण करना पड़ेगा। आपको जैसे कोई भी करेक्टर चूज करते हैं तो उस करेक्टर में एकदम उतर जाना पड़ेगा, लगे कि रियल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप सफल जरूर होंगे। क्या बात है। अभी प्रजातंत्र का हमारी टीम गई है मुंबई प्रजातंत्र के लिए, रिकॉर्डिंग चालू है, बाकी एक्टर और कुछ जो करेक्टर हैं उस सिनेमा के उन लोगों का चयन किया जा रहा है। अभी हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन 2 फिल्में और आने वाली है हमारी, हमारे अभी 2-3 महीने का टाइम है उसमें, मार्च के बाद। इस बार कहाँ लोकेशन रखने वाले हैं? बनारस है, मुंबई है, मैक्सिमम बनारस। प्रजातंत्र में हीरो हीरोइन की बात की जाए तो कौन नज़र आने वाले हैं? अभी हीरो में तो क्या नाम है, रितेश पांडे जी को हम लोगों ने लिया है। अभी और कई लोगों को चयन करना बाकी है, जैसे भी होगा आप लोगों को पता चलेगा। हीरोइन में भी अभी कोई डिसाइड नहीं हुई है, कई लोगों से बात चल रही है, जैसा उसमें रोल होगा उस हिसाब से हीरोइन का चयन किया जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे करेक्टर हैं जिनका अभी हीरो को छोड़ के हमको लगता है कि प्रजातंत्र में किसी को भी अभी चयन नहीं किया गया है, तो जैसे भी होगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अरे यार काहे घबराते, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। लेकिन प्रजातंत्र में अलग क्या संदेश जाने वाला है? राजा राजकुमार तो फुल एंटरटेनिंग था। देखिए ये जो ग्लैमर की दुनिया को हम बोलते हैं, या तो राजनीति की, या तो ये फिल्मों की है, या तो खेल की है, तो राजनीति का जो ग्लैमर जो लोगों के ऊपर आप देखेंगे गांव में शहर में, थोड़ा सा भी जानकार होता है तो कुर्ता और पजामा पहन के आदमी घूमने लगता है और नेता बन जाता है। तो प्रजातंत्र को हम लोग बना रहे हैं, एक राजनीतिक बेस है, उसी बेस के ऊपर उस पर काम हो रहा है। आपको अच्छा देखने को मिलेगा प्रजातंत्र के द्वारा, राजनीति के का क्या बेस होता है उसको देखने को मिलेगा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।